और उसमें कोई मोटिव नहीं होना चाहिए कि मैं भगवत भजन करूंगा इसलिए कि भगवान से कुछ मैं अदा कर लूंगा, कुछ और कुछ प्राप्ति कर लूंगा। साधारण ऐसे ही जाते हैं, वो भी अच्छा। भगवत गीता में बताया है कि चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति नौज, चार प्रकार के भक्ति जो है, कौन न चतुर्विधा भजन्ते माम सुकृति नौज न आर्थ अर्थार्थी जिज्ञासु ज्ञानी। आर्थ का अर्थ दुखी जो है, हर एक प्रकार से शरीर से और दुनियादारी से जो दुखी है वो भगवान के पास जाते हैं कि भगवान यह हमारा दुख है थोड़ा मिटा दीजिए, तो भगवान मिटा देता है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है भगवान के लिए। और अर्थार्थी है जो कि धन नहीं है, धन के लिए भगवान से प्रार्थना करते हैं तो वो भी भगवान मिटा देते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। और ज्ञानी जो है जो धन नहीं चाहते हैं, वो चाहते हैं जो वास्तविक भगवान वस्तु क्या चीज, उसका नाम ज्ञान। और जिज्ञासु जो कि इनक्विजिटिव, जैसा हम लोग बाजार में जाते हैं भाव पूछते हैं, इसी प्रकार जो व्यक्ति ये लोग भगवान भगवान कहते हैं क्या चीज है भगवान, उसका नाम जिज्ञासु। तो जिज्ञासु ज्ञानी आर्त अर्थार्थी, ये जो भगवान का विषय अनुसंधान करते हैं, भगवान के पास जाते हैं कुछ प्राप्ति के लिए, इसको शास्त्र ने बताया है चतुर्विधा भजन सुकृत न, ये पुण्यवान है। यद्यपि भगवान के पास जाकर के कुछ मांगते हैं ये उनका मूर्खता है, तथापि ये पुण्यवान है, क्या कि भगवान के पास पहुंचा। और जो भगवान के पास पहुंचता ही नहीं उसको कहता है दुष्कृति, इसको कहता है सुकृति, सुकृति पुण्यवान। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं किसी कारण से उसका नाम दुष्कृति, मैंने महापाप। दुष्कृति कृति का अर्थ होता है जो अच्छा काम कर, कृति कृति का अर्थ होता है मेधावान, बड़ा बुद्धिमान, तो बुद्धि लगाते हैं पाप का कार्य में, उसका नाम दुष्कृति। और वो बुद्धि जो पुण्य का काम में लगाते हैं उसका नाम सुकृति। तो सुकृति जो होता है वो यद्यपि भगवान के पास मांगने वाला शुद्ध भक्त नहीं है, तथापि उसको सुकृतिवान कहा जाता है। और जो भगवान के पास जाता ही नहीं, भगवान को मानता ही नहीं, उसका नाम है दुष्कृति। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा। और दुष्कृति जो है उसको और भी एक खिताब दिया गया है, मूढ़ा मैंने गधा। न मांग दुष्कृति न मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधम, और भी एक खिताब है उनका नराधम, न मनुष्य जीवन का अधम। और भी खिताब माया अपृत ज्ञान, जिसको ज्ञान माया ले लिया आसुरी भाव मास। तो यदि वास्तविक हम लोग सुखी होने को चाहते हैं, जीनो आत्मा सुप्रसीदति, यदि आत्मा को सुप्रसन्न करने को चाहते हैं तो ये पद्धति आपको ग्रहण करने पड़ेगा। वो क्या चीज है, ये परो धर्म नॉट अपरो धर्म नॉट मेटीरियलिज्म, भौतिक बात नहीं, और शून्यवाद भी नहीं, और निर्विशेष बात भी नहीं, भागवत धर्म, भगवत बात, भगवान है, भगवान मालिक, हम लोग सब नौकर, और भगवान जैसा हुकुम कर रहे हैं उस प्रकार हमको मान लेना चाहिए, इसका नाम है धर्म। इसका अलावा जो कुछ हम लोग धर्म मानते हैं वो सब जुआ चोरी और कुछ नहीं। ये साथ में बताया है कि धर्म प्रोज्जित कोई तो बहुत, जितने प्रकार के जुआचोरी धर्म है, यानी है जुआचोरी बाकी धर्म का नाम से चल रहा है, वो प्रोज्जित कोई तो बहुत, उसको झाड़ू दे के फेंक दिया गया। जैसे आप लोग घर में झाड़ू दे करके वो जितना मैला है बाहर फेंक देते हैं, किस्मत भागवत में वो जो धर्म है जो जुआचोरी करने वाला का है वो सब झाड़ू दे करके फेंक दिया गया। असल धर्म है ये सबई पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति रघु, वो धर्म है
जिसको पालन करने से भगवान के चरण में भक्ति होगी, उसका नाम है धर्म। और यदि आप प्रसन्नता चाहते हैं तो इसी धर्म को पालन करना पड़ेगा। आप और कुछ धर्म को पालन करेंगे तो वो तो है तो जुआचोरी, और वो जुआचोरी का आप पास में आप फंस जाएंगे और उसमें आपको जीवन खराब हो जाएगा। ये भी शास्त्र ने बताया है, मंदा सुमंद मतयो मंद भागा जुपद्धता। ये कलयुग में होने वाला है, हो भी रहा है। ये प्रायण अल्प आयुष, इस युग में आयु बहुत कम होता है। ये कलयुग में आखिरी 100 वर्ष तक आदमी जी सकता है, इतना लिमिट है। बाकी आजकल कौन जीता है 100 वर्ष, वो आस्ते आस्ते कमती होते जाएगा। जैसा कलयुग का आगे बढ़ना है, ये आयु दया बल और धर्म ये सब चीज कमती होते जाएगा। तो हो रहा है, आजकल कौन 100 वर्ष बचता है, 60-70 वर्ष कोई जीता रहे तो समझते हैं बहुत बुढ़ा। आगे जाकर कोई 20-30 वर्ष तक जिएगा तो उसको माना जाएगा बहुत बुढ़ा, ऐसा शास्त्र में है। तो आयु हरती, इस प्रकार आयु का ध्वंस हो रहा है। और मैं जो जीवात्मा है, ये शरीर में मैं फंसा हुआ है, और इसलिए हमको जब तक हमको ये भौतिक शरीर मिलेगा तब तक हमको दुख भोगने पड़ेगा। ये है प्राकृतिक नियम, प्राकृतिक नियम। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा। ये शरीर जो है, सुख और दुख इस शरीर से होता है, आत्मा का सुख दुख नहीं है। तो यदि आत्मा का सुप्रसन्नता चाहते हैं, यदि आप सुख चाहते हैं, तो ये धर्म का पालन करना पड़ेगा। परो धर्म सभी पुंसांग परो धर्म यतो भक्ति अधो खजे, अधो खजे जो भगवान, भगवान का एक नाम है अधो खजे। तो उसमें भगवान का चरण में भक्ति आपको जरूर करने पड़ेगा। और यदि आप नहीं करेंगे तो आप दुख भोगते रहिए, यह आपका बिजनेस है। बाकी हम लोग का उचित है आपको बोलना, जो सच्ची बात है वो आपको सुना देना। ये कृष्ण कॉन्शियसनेस जो मूवमेंट है, यही सुनाते हैं दुनिया में कि यदि आप सुखी होने चाहते हैं तो भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए। और यदि आप अंतकाल तक भुत्ता भुत्ता प्रलीयते, एक शरीर छोड़ करके और एक शरीर धारण करना और दुख भोगने को चाहते हैं, तो ये आपके काम है। बाकी इसको आप दुख से यदि छुट्टी चाहते हैं और परम सुख चाहते हैं, भगवान का पास जाने चाहते हैं, जद गत्यानां निवर्तन्ते तद् धामम परमम मम, ये सब शास्त्र बताया गया भगवद गीता में। बाकी खेद का बात है, ये जो हम लोग सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, भाई ये सब बात नहीं समझ। और बड़े बड़े स्कॉलर, बड़े बड़े स्कॉलर है, बड़े बड़े पॉलिटिशियन है, वो सब भगवद गीता पढ़ने वाला है, बाकी कोई भी कृष्ण जो भगवान है ये बताते नहीं। कृष्ण को उड़ा दो, कृष्ण को उड़ा दो और खुद भगवान हो जाओ, खुद अवतार हो जाओ, ये सब चाल चलता है। इसलिए इस प्रकार जो चीटिंग धर्म है, इससे आप लोग का कुछ लाभ नहीं होगा। असल जो धर्म है, परो धर्म, उसको ग्रहण कीजिए, भगवत भक्ति को ग्रहण कीजिए, और उसको लाभ करने से जय आत्मा संप्रसिद्धति। इसका उदाहरण स्वरूप जैसा ध्रुव महाराज है, ध्रुव महाराज सुकृतिवान, उनको थोड़ा भौतिक दुख हुआ, उनको सतेली माता जी अपमान किया, तू अपना बाप का गोदी में बैठ नहीं सकता क्योंकि हमारा घर में तुम्हारा जन्म नहीं। ये अपमान से अपनी माता जी से पूछ करके, माता जी सब पूछा, माता जी दुखी था, बेटा मैं क्या करूं, तुम्हारे पिताजी तो हमको मानते ही नहीं और हमको एक दासी भी नहीं मानते हैं, तो हम क्या कर सकते हैं, भगवान यदि तुमको सुखी करे तभी सुखी हो सकते हो, तो भगवान कहाँ है, बच्चा तो ही है। तो माता जी बताया, सुनता है जंगल में होता है भगवान, बड़े बड़े ऋषि लोग भगवान को ढूंढने को जाते, तो जंगल में वो तपस्या की, और उनका भीतर में उद्देश्य था जहां हम ऐसा एक राज बनाएंगे
जो हमारा पिताजी से भी ज्यादा। हाँ, इसलिए तपस्या किया। और जब भगवान को दर्शन मिल गया, फिर जिसलिए तपस्या करने को गया था उसको भूल गया, वो राज्य के लिए गया था। हाँ, जब असल भगवान को दर्शन मिला, वो कहते हैं भगवान अब हमको कुछ नहीं चाहिए, आया था तपस्या करने के लिए, राज्य के लिए। बाकी जब भगवान का दर्शन हो गया, ये एक सुविधा है कि जो भगवान का पास जाते हैं कुछ दुनिया का चीज लाभ करने के लिए, यद्यपि वो उचित नहीं है, तथापि उनके लिए एक मौका है कि एक दिन ऐसा हो जाएगा वो कुछ नहीं चाहेंगे, केवल भगवान को चाहेंगे, ये उचित। इसलिए सुकृतिवान कहा जाता। हाँ, वो सब भूल जाएंगे, केवल भगवान को चाहेंगे। हाँ, तो ये सुविधा है। और जो राक्षस होते हैं, एथिस्ट होते हैं, उनको कुछ सुविधा है ही नहीं। ये शरीर से जो कुछ सुविधा मिल गया उतना ही, और ये शरीर छोड़ने होगा, फिर अपना कर्म का अनुसार कोई दूसरा शरीर मिलेगा, उसको भोगने पड़ेगा, तो ये ठीक नहीं। इसलिए ऐसे ही धर्म जाजन करना है जिसमें कि वास्तविक हमको सुख मिले, वास्तविक हमको शांति मिले, और वो वही है जतो भक्ति रघोक जी। और अहुई तो की अप्रतिहता, वो जो भक्ति है अप्रतिहता, ये भौतिक वस्तु से उसको कुछ बाधाएं नहीं हो सकती। अगर कोई समझे हैं हम गरीब आदमी हैं, हमारा भक्ति कैसे होगी, नहीं। हाँ, और कोई कहेगा हम धनी हैं, हमको भक्ति कैसी होगी, नहीं, सबको हो सकता है। स्थाने स्थिता श्रुतिगतांग तनुवांग मनोभी, सब अपना अपना स्थान में रहिए, गरीब धनी का कोई बात नहीं है। हाँ, श्रुतिगतांग भगवान की कथा सुनी, इसमें लाभ हो। इसलिए हम लोग ये सब केंद्र बनाए हैं, आप लोग को सब मेंबर बनाते हैं, ये इसमें आप लोग भाग लीजिए, क्योंकि हम लोग भगवान की कथा छोड़ करके और कुछ नहीं बोलते। हमारे पास पॉलिटिक्स भी नहीं है, सोशियोलॉजी भी नहीं है, और तथाकथित विज्ञान, इसमें तो सभी विज्ञान है, ज्ञानम विज्ञानम सब विज्ञान, भगवान खुद कहते हैं। हाँ, जो तुमको आप ज्ञान बताए विज्ञान से। हाँ, भगवान की कथा में सब चीज है, जस्मिन विज्ञाते सर्वमेदम विज्ञातम भवंती। यदि आप भगवान को ठीक ठीक समझा तो सब विज्ञान आप समझ जाए। हम लोग बड़े बड़े साइंटिस्ट को चैलेंज करते हैं, चाहे साइकोलॉजिस्ट फिजियोलॉजिस्ट, ये सब सारा दुनिया में घूमते हैं, रशिया में एथिस्ट, हाँ उनको भी चैलेंज करते हैं, तो भगवान की कृपा से सब जगह में जय भी होता है। हाँ, ये बात नहीं है। बाकी मैं तो साइंटिस्ट भी नहीं है और साइकोलॉजिस्ट भी नहीं है, बाकी भगवान की कृपा से हमारा ही जय होता है। हाँ, सभी पुंसांग परो धर्म जतो भक्ति दुख खजे, ये मंत्र का ग्रहण कीजिए, इसको प्रतिपालन कीजिए, तब हर तरह से आप सुखी हो जाएंगे। जिन आत्मा संप्रसिद्ध, यही आप लोग से प्रार्थना। थैंक यू वेरी मच। Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama.